वीरवार को सोनीपत के कुंडली में स्पा सेंटर की आड़ में देव व्यापार के धंधे का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुंडली थाना के अंतर्गत आने वाले एक मॉल में 5 स्पा सेंटरों पर रेड मारी। पुलिस को स्पा सेंटर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की तो वहां भारी संख्या में लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। कुंडली के पार्कर मॉल में बनाए गए 5 स्पा सेंटरों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से 27 युवतियों और 17 युवकों को हिरासत में ले लिया है और वहीं स्पा चलाने वाले 2 मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दोपहर बाद हमें सूचना मिली थी, एक हमारे एक एनजीओ हैं जो समाज सेवा में काफ़ी लगे हुए हैं, उनकी तरफ से हमें गुप्त सूचना मिली थी कि पार्कर मॉल में कुछ सपा सेंटर्स चले हुए हैं और वो उस सपा सेंटर की आड़ में कुछ गलत काम भी करते हैं। तो हमने SHO कुंडली के साथ हमने 5 टीमें बनाई, अपने 5 टीम्स बनाई और उसके बाद हमने उनमें जाके रेड किया तो वहाँ पे 5 सेंटर्स चल रहे हुए हैं जहाँ पे युवतियाँ भी हैं, करीब 27 युवतियाँ हैं और 17 युवक थे अलग अलग सपा सेंटर्स में। और वहाँ पे हमें कई ऐसे आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं जिनसे पता लगता है कि ये वहाँ पे मीन्स मसाज के अलावा भी काफ़ी कुछ गलत काम धंधे करते हैं वहाँ पे। तो इसमें हमारी महिला पुलिस और हम मिलके अभी टीम्स बनाई हुई हैं, उसके हिसाब से हम FIR दर्ज करके अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, बॉर्डर ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज करें? हाँ, उसमें देखिए अभी इनसे पूछताछ चल रही है, पूछताछ इनसे अलग अलग चल रही है और सारी इसमें जिस जिस तरह की जो ऑफेंसेस साथ में आएंगे जो लड़कियाँ बताएंगी, क्योंकि इनमें देखने में तो 1-2 लड़कियाँ हमें माइनर भी लग रही हैं, उनसे पूछताछ भी करेगी कि उनकी उम्र कितनी है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा पूछताछ करने में। कोरोना काल चला हुआ है ऐसे में, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ती है, तो ऐसे में अगर ये लोग ऐसे जा रहे क्योंकि सेफ्टी को, हाँ ये भी हमने ये बात भी देखे हमने कि वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हैं, एक सपा सेंटर में उसमें 3 या 4 जो बेड लगे हुए हैं और सैनिटाइजेशन का भी कोई इंतज़ाम वहाँ पे नहीं है, उनके वॉशरूम बाथरूम वगैरह भी इस तरह की कोई साफ़ सफाई इस तरह की कोई हमें नज़र नहीं आई। तो लगता नहीं कि ये बीमारियों को कोरोना को सीधा सीधा नहीं होता दे रहे सर? हाँ बिल्कुल, जहाँ साफ सफाई भी नहीं है और इस तरह के जो सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो बिल्कुल। कुंडली थाने की तरफ से पहले भी सपा सेंटरों पे जो है ये कार्यवाही की गई थी, उसके बाद अब दोबारा फिर कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हो रहे हैं इनके? मीन्स पहले भी किया गया था और कुछ हमारी आप लोगों से और जनता से भी अपील है कि इस तरह के जहाँ भी कोई गलत काम होते तो हमें सूचना दें और फर्दर हम अपने जो खुफिया तंत्र है उसके शायद उसको भी मजबूत करके और इस तरह के आगे वो लगाएंगे ताकि बहुत जल्दी पता लग जाए हमें जो मालिक थे वो अरेस्ट हो गए। हाँ, जो सपा सेंटर्स जो चला रहे हैं उनमें 3 के जो मालिक मिले हैं उनको तो हम ले आए हैं, उनसे पूछताछ जारी है और 2 के मिले नहीं है अभी। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई और भी शिकायत मिलती है तो, क्योंकि जैसे कि कोरोना का समय है तो उनके ऊपर भी तुरंत ऐसे एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा इसमें तो। सर, बताया जा रहा है कि कुंडली थाने के सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर KFC मॉल है और वहाँ पर भी कई ऐसे ही स्पा सेंटर चल रहे हैं जहाँ पर देव व्यापार का धंधा जो है वो खुलेआम चल रहा है। अगर उनमें है तो उनमें भी ऐसे ही बख्शा किसी को नहीं जाएगा। सर, 3 स्टेटें लगती हैं सर, UP और दिल्ली और हरियाणा, तो कहाँ के ये हो सकते हैं सर, पहचान हुई होगी इनमें जो जेंट्स हैं उनमें जो एड्रेस लिए हैं वो लगभग यहाँ के लोकल ही हैं, आसपास के हैं और अधिकांश जो लड़कियाँ हैं वो दिल्ली से हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।